के हम रोज बात करते हैं ड्राइवर एट जो है वो हमें स्लो स्पीड से बहुत कुछ आगे तक पहुंचाता है हमसे मेहनत करवाता है आलस उसे पसंद नहीं। नंबर होते चले जाएंगे ड्राइवर एट है न्याय का देवता है कनेक्टर सेवन है तो सेवन का, का काम क्या है कि जिस काम में लग जाओ पोलन करके हटना आज के जो हमारे जातक हैं इनका फर्स्ट वर्ड जी से है जी से है डेट ऑफ बर्थ इनकी छब्बीस छ उन्नीस सौ इक्यानवे है ड्राइवर एट कनेक्टर सेवन बनता है लेकिन उस सबसे पहले जो हम लोग न्यूमरोलॉजी के ऊपर बात कर रहे हैं हम चार्लियन चार्ट के ऊपर बात कर रहे हैं अर्थ एलिमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं चालीन चार्ट के अंदर कौन कौन से प्लैनेट्स हैं कैसे कैसे हैं ये सारी चीजें समझनी है दिमाग में बिठा लेनी है क्योंकि 81 से मेरे मेरे आपसे एक वादा था कि जो भी मेरे मित्र 81 की पूरी वीडियोस को देख लेंगे बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाएंगे क्योंकि जो हम आज भी देखने जा रहे हैं जिस जातक की एट थर्टी फोर ईयर्स है तो आपको बहुत से पहलू देखने को मिलेंगे बहुत कुछ समझने को मिलेगा कि इसके कौन कौन से साल में क्या क्या हुए आपके पास एक पूरा का पूरा ऑपरेशन थिएटर है जिसके अंदर आप देख सकते हैं ड्राइवर है कनेक्टर है नाम के नंबर हैं फोन नंबर इसलिए नहीं करते कि सब लोग उनको तंग करेंगे कि ऐसा था ऐसा था ऐसा था इसलिए फोन नंबर नहीं देते तो दोस्तों आज हम बात शुरू करते हैं जो समीर जी हमें रोज पढ़ाते हैं कि लोशो के कौन कौन से नो प्लैनेट्स कहाँ कहाँ पे बैठे हैं हमारे नंबर हों या ना हो डेट ऑफ बर्थ कुछ बताएगी कुछ नंबर कम होंगे कुछ ज्यादा होंगे लेकिन ये नो ब्लॉक्स फिक्स रहेंगे इनके नंबर फिक्स रहेंगे और हम अपनी डेटाबेस के हिसाब से ऐसा चार्ट बना के उसके अंदर नंबर डालने हैं इसी चीज को समझते हैं बताइए समीर जी क्या दोस्तों आज फिर हम हाजिर हैं ड्राइवर एट और कंडक्टर सेवन के साथ जिसमें हम पहले देखेंगे लोशो ग्रिड जो चार दो और दो से बनते हैं जिसकी बीच की लाइन में है तीन पांच और सात और इसी तरह तीसरी लाइन में है आठ एक और छह लोशो ग्रिड से बनने वाले क्या 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 योग आदम है वो है पहला है मेंटल प्लेन जो चार नौ और दो से मिलके बनता है इमोशनल प्लेन तीन पांच सात से मिलके बनता है तीसरा है प्रैक्टिकल प्लेन जो आठ एक और छह से मिलके बनता है इसी तरह ऊपर की तरफ से देखें तो पहला है थॉट प्लेन जो चार तीन और आठ से मिलके बनता है विल प्लेन नौ पांच और एक से मिलके बनता है एक्शन प्लेन है दो सात और छह से मिलके बनता है इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड से स्लंटिंग तो देखे तो गोल्ड प्लेन चार पांच छह से मिलकर बनता है सिल्वर प्लेन दो पांच और आठ से मिलकर बनता है अलग अलग प्लेनेट के क्या क्या एलिमेंट है जैसे कि पहला है सन इसका एलिमेंट है वाटर दूसरा मून एलिमेंट है अर्थ तीसरा गुरु का एलिमेंट है वुड राहु का एलिमेंट भी है वुड पांचवा का एलिमेंट है अर्थ छठा वीनस इसका एलिमेंट है गोल्ड मेटल सातवा केतु इसका एलिमेंट है सिल्वर आठवा इसका है, अर्थ। है इसका एलिमेंट एलिमेंट है 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 नौवा फायर छब्बीस अल्फाबेट के अंग्रेजी के भाषा के को तो अलग अलग ग्रहों के साथ कैसे जोड़ा गया है वो है जैसे पहले के साथ है ए आई जे वाई दूसरे के साथ के आर तीसरे के साथ पी जी एल एस चौथे के साथ है डी एम टी पांचवे के साथ ई एच एन एक्स छठे के साथ है यू वी डब्ल्यू सातवें के साथ है ओ और जेड और आठवें के साथ है एफ और पी इसी तरह आठ नंबर से रिलेटेड पर्सन की क्या क्या क्वालिटीज है वो है हार्ड वर्कर डाउन टू अर्थ गॉड बिलीवर स्पिरिचुअल सॉफ्ट हार्टेड ऑलवेज रेडी टू हेल्प क्रांति पीपल क्राइम गोन फॉरगिव इजीली इसी तरह कंडक्टर साहब से रिलेटेड पर्सन की क्या-क्या क्वालिटीज है जैसे है लक स्टेबिलिटी स्पिरिचुअल डीप थिंकर लॉजिकल डिमांड रीजनिंग रिसर्चर लॉन्ग एंड फुरफुल ट्रैवल धन्यवाद दोस्तों अब देखते हैं कि इनकी डेट ऑफ बर्थ है 26 6 1991 छब्बीस छ उन्नीस सौ इक्यानवे में इनका जब चार्ट बनाते हैं तो वहां पे फोर मिस है टू टाइम है टू है, थ्री फाइव सेवन मिस है एट है डबल वन है डबल है। अब देखते हैं कि चार्ट के अंदर चार मिस पांच मिस तीन मिस सात मिस है एक बार एक दो बार है छह दो बार है तो क्या होगा पहले एनालिसिस करना सीखते हैं हर बार करते हैं तो तीन और चार के लिए वुड के हैं अभी आपने सोना तो इसको वुड धारण करना चाहिए पांच नंबर के अंदर अर्थ का है तो वही बात हम कहते हैं कि इनको रुद्राश की ब्रेसलेट की माला पहननी चाहिए जिसमें इनके तीन चार और पांच तीनों धातु कवर हो जाएंगे सात नंबर के लिए जो इनके पास ऑलरेडी जो हमारे पास मिलता है वो हमें मिलता है गिफ्ट जैसे मैं आपसे हर बार कहता हूं कि हमारे पास हर डेट ऑफ बर्थ में तीन लॉटरी होती हैं ड्राइवर इनको मिला इनके चार्ट में एट नहीं था तो इन्हें ड्राइवर मिला ट्वेंटी से जो सेवन मिस है और 7 इनको मिला अपने कनेक्टर से कि जब उन्हें टोटल किया तो इसका थर्टी फोर आया थर्टी फोर से सेवन आ गया तो चार्ट में हमारे पास सेवन भी आ गया अब दोस्तों इसके अंदर ये चीजें देखनी है ड्राइवर और कनेक्टर की अब हमारे पास मिस क्या रह गया तीन चार पांच तो हम इनको अर्थ एलिमेंट और वुड के पहनेंगे एक ही ब्रेसलेट पहनेंगे तो इसके इनका, इनका काम पूरा होगा तीनों योग हमारे पास प्लैनेट्स की पावर कम थी वो मिलती जाएगी अब इसके अंदर ये देखते हैं दोस्तों कि हमारे पास कौन कौन से योगास पूरे हो रहे हैं आप देखेंगे दो सात छ का योग पूरा हो रहा है तो हम कहेंगे भैया आप तो बहुत एक्शन ले लेते हो बहुत स्पीड से ले लेते हो आप आठ एक छे का प्लानट पूरा है तो आप प्रैक्टिकल हो बाद में वैसे विश्वास नहीं करोगे आप पहले पूरी जांच प्राप्त करोगे समझोगे इसके अंदर खोज करोगे भैया ये काम करना है क्यों करना है कैसे करना है कितने टाइम में होना है पूरी उसकी थीसिस लिखने के बाद करोगे और मेंटर प्लेन भी इनके पास नाइन और टू है जैसे मैंने आपको कहा था हर जो नंबर है वो अपने आप में थर्टी थ्री आता है लेकिन कॉर्नर वाले नंबर जैसे हमारे पास फोर मिस है तो वहां से हमारे प्लेनेट्स नहीं पूरे हो रहे एट है तो ऊपर के प्लैनेट को भी शो कर रहा है और साइड के प्लैनेट को भी पूरा कर रहा रहा है है योग बन दो नंबर नो के साथ भी पावर दे रहा है और साथ के साथ भी दे रहा है ये मैं आपको युक्तियों में बताऊंगा कि नौ सात दो की युक्ति में क्या होता है तो दोस्तों आज हम इनकी बात करेंगे सिर्फ योगास की हमने इनके योगास देखे अब हमने देखा कि ये काम क्या करते हैं क्योंकि इस टाइम थर्टी फोर ईयर्स के हो चुके हैं तो अपना काम तो ये लेके आए अपनी प्रॉब्लम्स लेके आए हमारे साथ मिले हैं तो अब इनकी प्रॉब्लम्स क्या है कि ये स्टूडेंट है ये मैरिड है ये अनमेरिड है थर्टी वन एज है सॉरी नहीं 31 है नौ और तीन बाईस तो दोस्तों इसके अंदर जब हमने इनके चार्ट को रीड करना है कि देखना है कि भैया इनका नाम जी से है जी से नाम है तो तीन अक्षर आ गया यू है सिक्स से आ गया आर है टू से आ गया पी है एट आ गया डबल फाइव ई है डबल फाइव आ गया आर से टू आ गया थर्टी वन आया और फोर इनका नाम मिला अब इनके अंदर देखते हैं कि जो तीन नंबर है आठ और सात से मैच करता है नाम इनको अच्छी पावर दे रहा है ड्राइवर और कनेक्टर के साथ अब देखते हैं कि उन्नीस सौ इक्यानवे में इनकी जो महादिशा शुरू हुई वो आठ से हुई क्योंकि डे का जो पहला दिन जो भी जोड़ करके आएगा उस दिन को हम महादिशा में लिखेंगे कि इनके आठ साल बचपन में कैसे रहे अब ये तो बहुत छोटे से इनका क्या होगा इनके माँ बाप को स्ट्रगल मिली होगी इनके माँ बाप को स्ट्रगल मिली हुई होगी ये तो बचपन में थे गोदी में थे लेकिन असर तो मिलता है अब ये जब 1999 में हुए आठ साल के और 17 साल तक 2008 तक इनका एक पढ़ाई का टाइम निकला तो अपने आप स्ट्रगल और मेहनत और लगन से अगर ये अच्छे नंबरों में पढ़े होंगे तो पास हुए होंगे क्योंकि मंगल बहुत अच्छे रिजल्ट देता है मेहनत कराते हैं दोनों नंबर मेहनत के हैं और 2008 में 2009 तक बहुत इनका अच्छा समय आया सूर्य का एक साल में जो ये करना चाहते होंगे जो इनकी जरूरतें होंगी पूरी होती चली गई 2008 से और 2009 तक रहा एक का समय 2009 से चंद्रमा का समय आया दो का 2011 तक रहा दो ग्यारह ग्यारह से तीन का समय आया जो इनको बुद्धि मिली तब तक ये हो चुके थे तेईस साल के अपनी लाइन देखी होगी समझ आई होगी बहुत सारे रास्ते अपने बना लिए होंगे और चार में इनके पास जब आया टाइम 2014 से 2018 तक इनकी दिशा इनको समझ आई कुछ नुकसान हुए होंगे कुछ फायदे हुए होंगे कहीं ऊपर गए होंगे कहीं नीचे आए होंगे लेकिन 2018 से अब तक 2023 तक 2023, तक, 2023 जो इनका देखेंगे 26 छह 2023 तक रहेगा दोस्तों दो से ही छह की महादिशा शुरू हो जाएगी दो तक लग्जरी इनको मिलेगी अब हमने यहां देखा कि जो महादिशा थी ये पांच की थी अब छे की आएगी लेकिन अब क्या आता है कि जो इनकी अंतर दिशा है दोस्तों अंतर दिशा आती है निकालने के लिए जो आज मैंने निकाली है वो इस तरीके से निकाली है वैदिक के हिसाब से आज तक तो मैं आपको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से निकाल के बता रहा था आज वैदिक के हिसाब से भी बताता हूं हमने इनकी ली छबीस तारीख छेवा महीना दो लिया और इसके अंदर जो इनका छब्बीस तारीख का जन्मदिन था उस दिन को भी हमने काउंट किया और वो सोमवार का दिन था दो नंबर उसके भी जब टोटल किया छब्बीस का आठ आया आठ और छोदा चौदह तो दो सोलह तीन उन्नीस और दो इक्कीस से इनकी तीन की अंतरदिशा आ गई यहां तक तो इनकी अंतरदिशा ठीक थी लेकिन अब थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी क्यों प्रॉब्लम आएगी कि महादिशा छ की है और दो गुरु मिल गए महादिशा छ की आ गई अंतरदशा तीन की आ गई तो दो गुरु का टकराव है क्योंकि एक गुरु देवताओं का एक दैत्यों का है इस टकराव के अंदर ये जिंदगी के अंदर इनको बहुत इस साल में संभल के चलना पड़ेगा कोई हार्ड डिसीजन नहीं लेने पड़ेंगे पढ़ाई के अंदर इनकी जो भी दिक्कतें हैं वो पूर्ण हो जाएंगी पढ़ाई पूरी होगी इस साल के अंदर इनकी और इसके बाद हम एक चीज और बताता हूँ दोस्तों कि जो हमने देखा इनके अंदर मैं आपको हर बार इनके नंबर जरूर बताता हूँ कि आठ नंबर सत्रह नंबर छब्बीस नंबर इनके अंदर क्या क्या होता है जो मैं एटी वन कम्बिनेशन के अंदर आज छह कम्बिनेशन की बात कर रहा हूं कि सात भी आता है सोलह से भी आता है पच्चीस से भी आता है तो इसके अंदर क्या होता है कि जो विद्वानों ने गुरुओं ने इनकी की खोज की उसके अंदर कहा गया भैया जो आठ नंबर है ये बी कैटेगरी के अंदर है अगर सिंगल आठ आया तो इसमें पावर बी की होगी अगर सत्रह से आठ आया जिसका टेस्ट सत्रह का है उसको आठ ज्यादा पावरफुल होगा अच्छे रिजल्ट ज्यादा देगा क्योंकि सूर्य और केतु से मिलके बना सूर्य केतु ने अपना बल छोड़ा आठ में लीन हुए तो ये ए कैटेगरी में आए और छब्बीस से जो इनका बन रहा है वो सी कैटेगरी में है क्योंकि चंद्रमा और विनस ने छोड़ा अपना वजूद हम लोग तो ये आठ के अंदर सी में आते हैं और आठ बी में आता है इसी तरीके से जो सात सोलह और पच्चीस के अंदर है दोस्तों सात नंबर भी सी से है सोलह नंबर ए का है और पच्चीस नंबर बी का है इन चीजों से आपको ये फर्क पड़ेगा कि इस आदमी के अंदर आप देखते हैं कि आठ नंबर है बहुत गुस्से वाला होगा या बहुत पर होगा तो उसके अंदर आप ये देख सकते हैं आठ बन किससे रहा है अगर छब्बीस से बन रहा है तो थोड़ा सा मूडी भी हो जाएगा क्योंकि दो सामने आता है दो से छह से आता है और एंटी भी है तो ये बातें डीपली हम अपने कोर्स में पढ़ते चले जाएंगे एक एक परत को खोलते जाएंगे किस नंबर का किस जगह से किस जिंदगी के अंदर हमारे साथ प्रभाव पड़ता है अब हम बात करते हैं दोस्तों इनके नाम के अंदर हम नाम में देखते हैं कि ये पढ़ाई में तेज होंगे महादिशा और ड्राइवर इनका आठ है और नाम इनका गुरु का है जी से है यू में सिक्स है तो कुछ पेट में बॉडी में इनकी प्रॉब्लम्स रहेंगी बॉडी बनेगी नहीं या मूड होगा या तकलीफ थोड़ी सी मूड क्योंकि तीन और छ का कॉम्बिनेशन आ गया एंट्री नंबर है तो उसे पावर की मिल रही है अगर यी हंड्रेड परसेंट दे रहा है नाइन्टी परसेंट यू दे रहा है पी जो हमें एट्टी परसेंट दे रहा है आर जो है सॉरी दे रहा है पी सेवेंटी परसेंट दे रहा है तो ये सारे नंबरों को सारी चीजों को जानेंगे इस तरीके से गुरुपीठ की जो डेटा बर्थ है एनालाइज हमने किया दोस्तों ये आपके लिए एक होमवर्क है आप जितना डीपली करेंगे इनकी हर एक एक महादिशा में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये इस दिशा में ये काम इनके हुए होंगे ये पर आज के टाइम में फॉरन में सेट है तो आप देख सकते हैं कि इनको जब चार की आई दिशा उसमें सेट हुए चौदह से अठारह में गए या अठारह से तेईस में गए कि बैलेंस बना ये ऐसे आप जब इनके साथ अंतर दिशा मिला के देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में मिलेगा दोस्तों ये चीज मैं आपको पढ़ाना चाहता था चार्ट दिखाना चाहता था समझाना चाहता था कि चार्ट कैसे बनता है इसमें आपने हमारे इंजीनियर साहब ने बहुत हम पे कृपा की है टेक्निकल प्रॉब्लम के बावजूद भी उन्होंने इसका वैदिक चार्ट भी बना दिया वैदिक चार्ट में जैसे मैंने आपको बताता हूँ तीन एक नो होता है फर्स्ट लाइन में उसके अंदर सेकंड लाइन में छह सात पांच होता है थर्ड लाइन में दो आठ चार होता है आप चार्ट में देख रहे हैं फोर इसके अंदर थ्री मिस आ गया वन आ गया नाइन आ गया से सेंचुरी नहीं लेते क्योंकि तो सेंचुरी के अंदर अरबों खरबों बच्चे पैदा होते हैं तो हर बच्चे की ताकत हमारे नहीं मिलनी तो बीस को नहीं लेंगे हम सिर्फ इसके अंदर जो डेटा ऑफ बर्थ है उन्नीस को नहीं लेंगे तिरानवे को इक्यानवे को तेईस को बाईस को ये सब लेंगे ये कोर्स के अंदर मैं आपको पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा दोस्तों मैं आपको हर बार कहता हूं कि देखिए कुछ नंबर हमें रुलाते हैं कुछ नंबर हंसाते हैं और हमें नंबरों को समझ के अपनी जिंदगी में ठहरावना है जैसे हम लोग रेड लाइट आती है तो ये हमारी जिंदगी की जो हमें निमरोलॉजी है ये एक रेड लाइट है कि भैया समझ जाओ सम्भल के सोच के चलो कि ये नंबर है ये नाम है ऐसे दोस्त हैं ऐसी रिश्तेदारियां है, ऐसी शादियां हैं ये सारी बातें समझ के देख के करनी है दोस्तों आज मैं आपको इनकी एक बात बता देता हूं कि अगर इन्हें मोबाइल नंबर लेना है या फ्लैट नंबर लेना है गाड़ी नंबर लेना है तो इनका लकी नंबर भी जो है वो पांच और तीन होगा तो ये इनके लिए पेशीज हैं दोस्तों हर बार कहता हूं कि दिलो दिमाग को खोल के अपने नियर डियर वालों के चार्ट बनाइए और जो समझ में नहीं आता बेशक मेरे कमेंट्स में करके पूछिए जो भी होंगे मैं आपके कोशिश करूंगा सवालों के जवाब दे सकूं आपके साथ इस मार्ग में चलने में आपके साथ बन सकूं तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपकी नॉलेज अपग्रेड हुई होगी तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका लाइव वेद नंबर इंस्टीट्यूट में इतनी देर तक वीडियो को देखने का अगर आपने वीडियो देखी है तो इसका एक और फायदा करिए हमारी संस्था के लिए अपने लिए क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ती है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कि हम ज्यादा से ज्यादा जो अपनी मेहनत है लगन के साथ आपकी और हौसला वसाई कर सकें आपको और अच्छे तरीके से पढ़ा सकें और ऐसे पर्थ खोलते चले जाएं जिसके अंदर आपका चिवन्नी भी नहीं लगनी दोस्तों आपका सिर्फ प्यार ही लाइफ संस्था को भी मिलेगा और आपको भी नॉलेज बढ़ेगी धन्यवाद दोस्तों स्वस्थ रहें मस्त रहें।